सरकारी संपत्तियों और मंदिरों पर अपना दावा ठोक रहा है। मामला पटना के फतुहा के गोविंदपुर कुर्था गांव का है, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 7 मकान मालिकों को घर छोड़ने का नोटिस भेजा है और इसके अलावा अन्य घरों पर भी उसकी दावेदारी की तैयारी है, जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड के नोटिस पर स्टे मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड की मनमानी जारी है। वो लोगों को धमका रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। वहां से परेशान लोगों से बात की हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्र ने। सोचिए किसी जगह पर आप अपने बचपन से रह रहे हो, दशकों गुजर गए हों, आपके दादा परदादा सैकड़ों साल से रहते हो, और अचानक आपके पास एक नोटिस आए और आपके ही घर से आपको बेदखल करने की बात हो, तो सोचिए कि उस घर के लोगों पर क्या गुजरेगी, वहां के रहने वाले लोगों पर क्या गुजरेगी। एक बार फिर से हम कहानी बता देते हैं। दरअसल हम पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा में मौजूद हैं। गोविंदपुर ये इलाका है और यहाँ पर देखिए कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक मनमानी निकल कर सामने आई है और पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में है। ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी, लेकिन जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा खबर हम सैकड़ों बार दिखाएंगे। तो देखिए कि अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, देखिए एकदम छोटे छोटे बच्चे, देखिए मासूम बच्चे हैं, अगर ये अपने घर में रह रहे हैं, इन्हीं घरों को अपना घर मान रहे हैं, इन्हीं घरों में इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी लोगों का जन्म हुआ, इनके दादा परदादा इसी धरती पर उनका जन्म हुआ, यानी सैकड़ों साल से उनकी कई पीढ़ियां इस इलाके में रहीं, और अचानक अगर बोल दिया जाए कि नहीं घर खाली करो, क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। और ये मनमानी है वक्फ बोर्ड की, लिहाजा हम इस गांव में एक बार फिर से मौजूद हैं और देखिए कि इतनी ज्यादा दहशत है कि बारिश हो रही है, उसके बावजूद यहाँ के लोग पहुंचे हुए हैं अपनी बात कहने को लेकर कि घर खाली हो रहा है, घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और घर खाली करने को लेकर मन में इतना ज़्यादा इनके डर समा गया है कि लोग आज देखिए कि बारिश की परवाह भी नहीं किए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जीतिया पर्व है, उसके बावजूद जो महिलाएं हैं, भूखी प्यासी महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी दिखाएं, क्योंकि सबके मन में खौफ है कि कब घर खाली करना पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है सर? अभी तक तो डर से बोर्ड नहीं हटाया है, उसका कहना है कि 10 दिन मीडिया वाला का क्या कर लेगा, हम मेरा फिर राज है, सरकार कहाँ गेल है, उसको आँख नहीं है, वो कह रहा कि सरकार क्या करेगा, मेरा राज जाना, घर छोड़ के जाइएगा, कैसे जाएंगे, अरे वो अब मर जाएंगे कट जाएंगे, घर कैसे हम छोड़ेंगे, हमारा खरीदगी है, रजिस्ट्रेशन कहिए तो हम बंदोबस्ती कागज हम आपको हम दिखला देंगे, रजिस्ट्री रखी हम। नोटिस फिर कैसे आ गया? जब नोटिस आ गया तो बक बोर्ड डाल दे रिश्ता ना, बक नोटिस आ गया है, है हम दान देवे नहीं किए हैं, हम लिखवे नहीं गए, तो बक बोर्ड का जमीन कैसे हो जाएगा? देखिए बहुत उम्दा सवाल है, बताइए कितने साल से यहाँ रहते हैं? हम यहाँ सर उम्रे है, जन्म यही है, जन्म से है। अब कहा जा रहा है कि घर खाली कर दीजिए, घर वक बोर्ड कह रहा है कि हमारी जमीन है, तो क्या मन में चल रहा है? हम कोची करेंगे सर, हमारे कुछ न बनता है, इनका जानते हैं, हथियार लिया है दो हाथ, गोली छोड़ के अभी भी देख सकते हैं, उसका शुरू से आज से 10-20 वर्ष पहले इनको जेल बैठा के थाना में पैरवी करके, वो जखनी उसको बोलो के DM CM के गाय भैंस खिलाता था, जब ही उनको थाना में डाल के इनका भी जमीन हथियार लिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लगातार इंडिया न्यूज की टीम, यहाँ पर हम लगभग ये तीसरा या चौथे दफ़े है जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा लगातार पहुँचेंगे। देखिए महिलाएं हैं, आज जीतिया पर्व है, उसके बावजूद अब बताइए कि आज पर्व है ना, उपवास पर होंगी? हाँ, लेकिन जो हम चेहरे पर आपकी मायूसी देख रहे हैं, लग रहा है कि ये जो खबर है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, खाली कर देना है, आप लोगों को नहीं रहने देगा, घर परिवार में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि जैसे मने वो धांधली कर रहा है, और क्या करेगा, तो उसके चलते तो हम लोग पीछे नहीं भागेंगे, मेरे यहाँ भी दिए हुए हैं, लेटर दिए हैं,
तो इसके चलते तो हम भागेंगे नहीं, जैसे आएगा वैसे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं भागेंगे। और लोग हैं, ये बताइए कि आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, खड़े हो जाइए, ये बताइए कि इस तरह से मनमानी हो रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं भले ही छोटे स्तर पर हैं, लेकिन बात तो ऊपर जाती होगी अधिकारियों तक, नेताओं तक, कोई आया कि नहीं? नहीं आए थे, संजय जायसवाल आए थे और भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन तो संजय जायसवाल आए तो क्या सिर्फ राजनीति करने आए कि कुछ हुआ भी? नहीं, अभी तक तो पेपर सब समझे, उसके बाद कोई कार्रवाई, अभी तक तो बोर्ड लगा हुआ है, और जो यहाँ का बक का सचिव है बोलू मियाँ, वो लोग दहार मार के मारता है कि भाई अभी किसी का घर तोड़वा के हड्डी देखेंगे, ये देखेंगे, अभी तक तो यही रंग घर तोड़वाने की धमकी दी जा रही है, धमकी दे के खोदवाएंगे तब हम मानेंगे कि हड्डी निकलेगा तब तो मेरा, नहीं निकलेगा तो तुम्हारा, इस तरह का सवाल कर रहा हूँ। देखिए इलाके के लोग जो जितने भी लोगों को नोटिस आया है किस मना स्थिति में? आप तो यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, मैंने बफ बोर्ड अभी तक बोर्ड नहीं हटाया, और वहाँ से वो बोलता है कि मैंने जो एक बार बफ हो गया जो हमेशा हुआ, तो हम लोगों में तो डर का माहौल है, उसके इतना पावर मिला हुआ है उसे, लोगों में दहशत है कि कभी भी कुछ करेगा, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है, इस अधिकार के चलते लोग डर के साया में जी रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि कब क्या होगा, आने वाला समय हमारे वंशज को क्या करेगा, कोई सही नहीं है, बफ बोर्ड को ये अधिकार से लोगों में त्राहिमाम हो रहा है, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा, कोर्ट के आदेश होने के बाद कागजात बिना, वो तो सीधा बोलता है कि अरे ओरल बफ होता है तो कागज का कोई वैल्यू, बिना कागज के वो बोल देता है कि हमारा हो गया, अब उस पर क्या कहा जाएगा, हम लोग कहाँ जाएं, अभी तक इतना होने के बाद भी कोई अधिकारी चाहे देखने के लिए या कुछ होता कि करते निदान, अभी तक तो आ नहीं रहे, नेता नहीं है, नहीं भाई जी अभी अभी कोई अधिकारी नहीं आए, खाली संजय जायसवाल जी आए थे, उसके बाद कोई नहीं अभी तक आए हैं, ना हमारा सुना जा रहा है कुछ कि क्या होगा हमारा, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं तो डर तो होगा ही ना कि कहाँ लेकर जाएंगे, हाँ बच्चे को तो लगेगा ना कि कहाँ रहेंगे हम लोग, मान लिया है कि क्या करता है वह, तो डर तो है लोगों में, जो लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर भरोसा है कि जो कोर्ट फैसला देगा, क्योंकि कोर्ट जो फैसला दे रहा है उससे इन्हें राहत तो मिल रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश को भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो स्थानीय सचिव है वो मानने को तैयार नहीं है, उसका दावा है कि जमीन हमारी है और हम जमीन किसी भी सूरत में लेकर रहेंगे। अब ऐसे में यहाँ के लोग काफी इन्होंने धैर्य का परिचय दिया है और लोगों का कहना है कि जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे।